तुझे तेरा वरुण वापस जरूर मिलेगा। माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए माँ। मतलब मैं चाहती हूँ माँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि वरुण और मैं फिर से एक हो जाए, लेकिन मैं अपने मतलब के लिए फिर से उसकी लाइफ नहीं खराब कर सकती माँ। माँ, वरुण बहुत अच्छा लड़का है, उसने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी हर मांग पूरी की, मैं तो उसे डिजर्व ही नहीं करती माँ। बट यू नो व्हाट माँ, अच्छा है कि वरुण और मैं एक साथ नहीं है। मैं किसी को डिजर्व ही नहीं करती माँ, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ माँ। नहीं सुरभि, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा माँ। ऐसा नहीं है सुरभि, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं तो बुरी नहीं है। क्या खाओगी? दाल। I'm sorry guys. Actually, पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है, सब कुछ मेरे हाथ से फिसल ही रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। खाना खाओ। काका जरा ध्यान से साफ कर दो, कांच अगर किसी को लग जाए तो जानलेवा हो सकता है ना। डर गई? ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है बेगम, बाकी सब तो संगीत की रातों का। युवराज मेरी वजह से इस घर का दुश्मन बनते जा रहा है, उस पागल को इस घर से हमेशा के लिए दूर भेजना होगा। लेकिन जब तक कुछ सोच नहीं लेती, एक दो दिन के लिए ही सही, इसे कहीं दूर भेज देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेहंदी की तरह संगीत में भी वो कुछ, और अगर इसने अंश को तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इसको इस घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन शर्मा अंकल को फोन करती हूँ, वो इनकम टैक्स में है, जरूर मदद करेंगे। हेलो शर्मा अंकल, मैं दिव्या महेश्वरी, विश्वजीत महेश्वरी की बेटी। दिव्या, तुम बेटा कैसे, मतलब मुझे तो लगा कि तुम मर चुकी हो। मैं जानती हूँ अंकल, सबको यही लगता है अंकल। बहुत लंबी कहानी है, मैं मिलके आराम से समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे आपकी एक मदद चाहिए। हाँ बेटा जरूर, तुम मेरी बेटी की तरह हो, बोलो क्या हुआ। अंकल वो शिरडी में ना, आप कर पाएंगे ना? ठीक है बेटा, तुम्हारा काम हो जाए। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच।